गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक थिंग्स जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम लोग सभी अपने कार्स से जाते हैं आते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। हम लोग उस पॉल्यूशन को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम हम ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ हो जाए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि प्लांट मोर ट्रीज़। ऐसा नहीं है कि आपका छोटा सा घर है आप जो है उसमें आम का पेड़ लगा सकते हैं, ऐसा होगा नहीं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा फ्लावर्स की जगह अगर आप थोड़े वेजिटेबल्स वगैरह लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 पॉट्स हैं, तो उनमें से आप 5 में जो है अदरक या हल्दी लगा सकते हैं। उससे आपका साल भर का उतना हल्दी आपको मिल जाएगा। एक तो वो फ्रेश होगा, ऑर्गेनिक होगा, और उसमें कोई भी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, तो आपकी हेल्थ के लिए वो ऑर्गेनिक फूड होगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और दूसरा वो आपको जो है फ्रूट तो दे ही रहा है, साथ में एनवायरनमेंट भी क्लीन कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कोशिश करें कि हर साल एक पेड़ जरूर लगाएं। आप अपने गाड़ी को जो है छाया में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप पेड़ कोई भी लगाना चाहता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि रीयूज ऑफ ओल्ड आइटम्स। ओल्ड आइटम्स इन द सेंस जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक पी कार से बाहर फेंक दी बॉटल, इस तरह नहीं करना चाहिए हमें। जितना आप पॉल्यूशन कम करेंगे, जितना आप रीयूज़ पे ध्यान देंगे, उतना ही आपका एनवायरनमेंट सेफ होगा, आगे आपको ही बीमारियां कम होंगी। देखिए एक प्लास्टिक की बॉटल अगर आप जलाते हैं, कितना उससे पॉल्यूशन होता है और कितना एनवायरनमेंट हार्म होता है। अगर उसी प्लास्टिक की बॉटल का आप जो है काट के अगर पेंसिल स्टैंड बना दें, एक तो वो आपकी घर की खूबसूरती बढ़ाएगा और दूसरा आपको एनवायरनमेंट भी सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें जैसे हम लोग चिप्स वगैरह के पैकेट, ये सब प्लास्टिक पैकिंग में आते हैं, ये हम लोग खा के और एकदम कार के बाहर फेंक देते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए हमें। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखानी चाहिए कि पॉल्यूशन कम करें और दूसरा रीयूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर कोई प्लास्टिक का पैकेट वगैरह कुछ है तो आप सेफ उसको डस्टबिन में डालिए। इंडियंस जो हैं बाहर जाके तो सुधर जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है फ़ाइन ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं पे भी थूक देते हैं कुछ है तो आपको $200 का फ़ाइन पड़ता है। इंडिया में इस तरह के फ़ाइन वगैरह कुछ है नहीं, तो आप जो गंदगी बहुत फैलाते हैं। और एक और काम कर सकते हैं आप, अपने आप को फ्री ना रखें। जैसे हाउसवाइफ्स वगैरह हैं, घर के काम करने के बाद उनके काफ़ी फ्री टाइम हो जाता है, तो उसके बाद वो टीवी देख के अपना टाइम पास करें। इससे अच्छा आप लोग गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। सिंपली 10 या 12 आप पॉट्स लेके उनमें कुछ लगा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, तो वो आप टमाटो ही लगा सकते हैं। टमाटो देखिए आपको साल भर काम आता है। और पोटैटोज लगा सकते हैं, अनियन लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं गार्डनिंग वगैरह, तो आपको एक हॉबी हो जाएगा। और दूसरा जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हुई और जो भी आपका चीज़ रीयूज़ हो सकती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रीयूज़ करें ताकि आपका एनवायरनमेंट सेफ हो। आने वाले टाइम में आप जो है ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।